अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, हिफ्ज़ो अमान में रखे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये देख सकते हैं, शाम का वक्त था और जो है समोसे खाने में गई थी, उसके बाद जो है वापसी आ रही थी। तो ये वहाँ पे मोजम्बिक में कुछ फेस्टिवल हो रहा था और तक मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। मैं बेबी की कुछ शॉपिंग करके आई थी बाहर से, बेबी फूड वगैरह लेकर आई थी और कुछ जो है इस बेबी की चीज़ें थी, सामान था, और कुछ अपने पाकिस्तान ले जाने के लिए सामान लेकर आई थी जो कि मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ वीडियो में। ये मैं कुछ सामान थोड़ा थोड़ा करके ले लेके आ रही थी बाहर से, जमा कर रही थी पाकिस्तान ले जाने के लिए, और जो कि मैं आप लोगों के साथ रेगुलर शेयर कर रही थी। ये वीडियो जो है क्लिप जो है पुराना है, वहीं का है, मोजम्बिक का ही है। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर कर लूँ ये क्लिप भी। और उसके बाद जो है सुबह में जो है मेरी फ़्लाइट थी एयरपोर्ट की, और ये देख सकते हैं मैं एयरपोर्ट आ गई थी। ये मैं जो है बैग रखे हुए थे, ये मेरा सामान था जो कि आप देख सकते हैं मुझे इतना अलाउ था, तो मैं ये बैग कुछ इस तरह से लेके आई थी। उसके बाद मैं जहाज में बोर्डिंग वगैरह क्लियर करा के मैं बैठ गई थी। मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मेरे साथ बेबी थी, और आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है बेबी का फेस रिवील मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ नहीं करूँ, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। ये जहाज़ में सिटिंग हो रही थी, लोग आके बैठ रहे थे, एयर होस्टेस वगैरह सबको सीट पर बता रही थी कि आप लोग की सीट ये है, आप लोग की ये नहीं है। खुद कुछ लोग खुद बैठ गए थे। ये मैं कुछ इस तरह से इसका दिखा रही थी व्यू के, देख सकते हैं जहाज़ में इस तरह, ये जहाज़ में सामान रखने का ये पोर्शन होता है। ये कुछ सीट के आगे इस तरह इसमें चीज़ें होती हैं, मास्क वगैरह और जो एहतियाती तदाबीर सब चीज़ें इसमें उन्होंने मुझे प्रोवाइड की थी। और ये बेबी के लिए बेबी कोट भी प्रोवाइड किया था, बेबी कोट लगा दिया था, और एक बेबी को सॉफ्ट टॉय भी दिया था। और उसके बाद ये मुझे डिनर मिला था, डिनर देख सकते हैं आप लोग, ये राइस थे। मैं समझी थी कि ये चिकन राइस थे, पहले फर्स्ट टाइम जब मैं बैठी थी मुझे बटर चिकन मिली थी, वो बहुत वीआईपी चावल थे, राइस थे, लेकिन अब जो मुझे मिले ये सब्जी के थे, वेजिटेबल राइस थी, ये देख सकते हैं। और इसके साथ जो है ये इसमें कस्टर्ड था मीठे में, और जो है इसमें आलू थे, आलू और वो कैरोट थी, आलू थे, कुछ उसमें हर्ब तले हुए थे, और गानों वगैरह भी इसमें ऐड थे, इस तरह के कुछ हर्ब इसमें ऐड थे। इसके अंदर जो है स्पून और फॉर्क था और मिनरल वाटर थी। ये उन्होंने मुझे डिनर दिया था क्योंकि मेरी जो फ्लाइट थी वहाँ से बैठी थी, मैं दिन के वक्त बैठी थी, तो मुझे उन्होंने डिनर दिया था। उसके बाद उन्होंने शाम में मुझे जो है सैंडविच भी दिया था, चिकन सैंडविच, वो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मेरे साथ बेबी थी, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी वीडियो शूट करने में। अभी इस वक्त बेबी के लिए कोट लगा दिया था उन्होंने, मेरी सीट के सामने ही जगह थी तो उन्होंने बेबी कोट लगा दिया था। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ, जिसके साथ भी बेबी होती है तो उसको बीच की रो में वो सीट देते हैं और सामने बेबी कोट लगा देते हैं ताकि आपका बेबी उसमें सो जाए। ये देख सकते हैं इस तरह आपको बीच की रो ही मिलेगी, और ये इस तरह से एयर होस्टेस आती हैं, सबको जो भी देना होता है वो दे देती हैं। ये देख सकते हैं आप, कोल्ड ड्रिंक पानी जो चाहिए हो वो इस तरह से मिल जाता है। ये मुझे इस तरह से ये डिनर मिला था। उसके बाद ये एलईडी सीट में ही लगी होती है जो कि इस तरह से ओपन होती है। जिन लोगों को नहीं पता मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि इस तरह से, और ये मैंने फिनिश कर लिया था तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैंने सिर्फ राइस खाए थे, सब्ज़ी वगैरह मैंने नहीं खाई थी, मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। और ये एरोस्टिस थी कि जो कि लोगों को बता दी थी कि इधर साइड से जाएंगे तो यहाँ वॉशरूम है, एक इधर वॉशरूम है, कुछ इस तरह से यहाँ पे जो है इन्वायरमेंट हो जाता है जब जहाज़ में लाइटिंग ऑफ हो जाती है रात का वक्त, जैसे लगता है ऐसे ही जहाज़ में भी रात हो जाती है, इस तरह से लुक आती है। और ये एलईडी थी, मैं बेबी को जो है कार्टून दिखा रही थी, बेबी मुझे तंग कर रही थी तो मैंने कार्टून लगा दिए थे क्योंकि अंधेरा हो गया था। और ये देख सकते हैं एलईडी पे कार्टून लगे हुए थे, और कार्टून वगैरह, फिल्म वगैरह आप देख सकते हैं, गेम्स वगैरह भी होते हैं, मैंने गेम्स वगैरह भी खेले थे क्योंकि मेरा काफ़ी लंबा सफ़र था। कतर एयरवेज थी, मैं जिनको नहीं पता ये कौन सी एयरवेज है तो मैं बता दूँ, ये कतर एयरवेज है जो कि दोहा कतर पे लाजमी रुकती है। तो ये देख सकते हैं दोहा कतर है कि ये वीडियो है मेरा, 3-3.5 घंटे का स्टे था यहाँ पे, उसके बाद जो है पाकिस्तान आना था। ये देख सकते हैं दोहा पे बहुत ही फेमस टेडी बियर है, यहाँ पर जो जाता है पिक्चर लाजमी बनवाता है। ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सिर्फ पिक्चर ही आपके साथ एयरपोर्ट की शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बेबी साथ थी, फिर वही बोलूँगी कि बेबी साथ थी इसलिए मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही थी। ये मैं घर आ गई थी तो मेरे घर वालों ने वेलकम किया था, डेकोरेशन वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन मैंने ये जो है आप लोगों के साथ ये पिक्चर्स वगैरह शेयर कर रही हूँ, मेरी बेबी की पिक्चर पोस्टर्स पे बनवाई थी। ये कुछ इस तरह से रूम को डेकोरेट किया था, रूम बहुत अच्छा लग रहा था, मेरी बेबी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, और केक भी हमने काटा था, केक भी सेलिब्रेट किया था। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है।
और आप लोग को जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और मुझे बताना है बेबी का फेस रिवील का।